पितृपक्ष के समय पाकिस्तान से 107 हिंदुओं की अस्थियां भारत लाई गई हैं। कराची के प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रामनाथ मिश्र महाराज के नेतृत्व में एक दल इन अस्थियों को लेकर वाघा बॉर्डर पहुंचा। हाथों में कलश लिए ये लोग अपनों की अस्थियों को लेकर पहुंचे हैं भारत की पवित्र धरती पर। कई सालों बाद गंगा में अस्थि विसर्जन की पाकिस्तानी हिंदुओं की मुराद आखिरकार पूरी हो गई। हरिद्वार में इन हिंदुओं के गोत्र के अनुसार अस्थियों का विसर्जन होगा। 160 हिंदुओं की अस्थियां भारत लाई गई हैं। अभी भी करीब 40 लोगों की अस्थियां पाकिस्तान में रह गई हैं। 200 अस्थियां पड़ी हुई थी उधर, जिसमें से हम 160 उठा के ले आए हैं। जितना हम वजन उठा सकते थे वो ले आए, अभी भी 40 से 60 रह गई हैं। कराची के प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रामनाथ मिश्र महाराज के नेतृत्व में एक दल पाकिस्तान से इन हिंदुओं की अस्थियां लेकर वाघा बॉर्डर पहुंचा। रामलाल मिश्र के मुताबिक ये लोग पहले इन अस्थियों को दिल्ली लाना चाहते थे, लेकिन वीजा न मिलने के कारण इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। 5 से 10 साल हो गए इन अस्थियों को जो कि पड़ी रह गई हैं। 2011 में पहले किया था, जिनकी पहली रह गई थी वो करना चाहते थे खुद से, लेकिन जब वो नहीं कर सके तो इस बार भी उन्होंने हमें खुद से दे दिया। ये अस्थियां बौद्ध और सिखों की भी हैं। अब तक ये अस्थियां कराची के शमशान घाट में सुरक्षित रखी हुई थीं। ये अस्थियां ऐसे लोगों की हैं जिनके परिजन हरिद्वार में ही उनका अस्थि विसर्जन करना चाहते थे। सुमित खन्ना, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, अमृतसर।